हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम बनाएंगे बालूशाही, क्योंकि सावन का महीना चालू हो चुका है, रक्षाबंधन आ रही है, तीज आ रही है, तो आज हम बालूशाही बनाना रेडी करते हैं। चलो, ये हमने लिए 2 कटोरी मैदा, ये मैंने लिए 2 चम्मच घी, करीबन 50-60 ग्राम के आसपास। अब इसमें हम लेंगे 1 कटोरी पानी, ये हमने 1 कटोरी पानी ले लिया है। अब इसमें हम चुटकी भर डालेंगे नमक, और अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर आधी चम्मच। अब इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम आप हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इसमें हम डालेंगे घी, ये हमने देसी घी लिया है, आप चाहे तो डालडा भी ले सकते हैं, आप जो भी पसंद करते हैं वो वाला डाल लें। अब इसे हम मिला लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये हम इसे ऐसे गूंदना है, और हमें मुट्ठी बांध बांध के गूंदना है, और हमें ज़्यादा टाइट हो या ज़्यादा ढीला नहीं रखना है। इसे हमें एकदम मुलायम ही रखना है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। थोड़ा सा पानी और लेंगे हम इसमें, इसे हम अच्छे से इकट्ठा करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी मैदा कैसी हो रही है। हमें ऐसे ही एकदम मुट्ठी बांध बांध के गूंदना है, और हमारी मैदा रेडी है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हमने लिए है कढ़ाई, इसमें आधी कटोरी पानी डाला है, 1.5 कटोरी चीनी। अब इसकी हम बनाएंगे चाशनी, आप देख सकते हो उबाल आ चुका है चाशनी में। अब इसमें हम डालेंगे 2 इलायची, अब इसे हम मिलाएंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी बन रही है। और अब हमारी चाशनी में उबाल भी आ गया है, आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी रेडी है। आप देख सकते हैं कि हमारी मैदा भी रेडी है। अब इसको हम साइड में बर्तन में निकालेंगे, और इसको ऐसे करके रख देंगे प्लेट में। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे, लोइयां तोड़ के गोल 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 लोई की तरह घुमाएंगे, और आप दें बेलने की सहायता से इसमें छेद करेंगे। गोल देखना, ऐसे करना है इसे। ये हमने ऐसे कर दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम एक और करेंगे, हमें लोई की तरह बनाना है। अगर आप चाहे तो इसे उंगली की सहायता से करेंगे इसमें। ये हमने कर दिया है। ये हमारी चाशनी रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट कलर, अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट कलर,
अब आप देख सकते हैं हमारी चाशनी रेडी है, हमारी चाशनी रेडी हो गई। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, अब उसमें हम रिफाइंड रखा है हमने गर्म करने के लिए, इसमें मैंने छोटी सी एक मैदा की लोई सी तोड़ के डाली है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा भी ज़्यादा तेल गर्म नहीं हुआ है रिफाइंड, तो आप इसे कम ही आँच पे सेकें, ज़्यादा तेज ना करें। अब ये ऊपर आ गए तो अब इसमें हम डालेंगे एक एक बालूसा, इसी के अंदर डालते जाएंगे और हमें कम ही गैस पे रखनी है, कम गैस पे सेकेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमें अभी हिलाने भी नहीं है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे सीख रहे हैं कितने अच्छे, और आप देख सकते हैं कि हमने कितने छोटे डाले थे, ये कितने बड़े हो गए हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा है। अभी इन्हें हम पलट देंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा कितनी अच्छी बालूशाही सीखी है। अभी इसमें हम एक एक करके दूसरे बर्तन में निकालेंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप थोड़ी सी गर्म कर लें, और इसमें हम एक एक करके अब डालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हम एक एक करके डाल रहे हैं, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हमें करीबन 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर पलट देंगे। आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही रेडी है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी बालूशाही कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।